अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। फेटिफ की जानिब से यह कह दिया गया है। 27 में से अभी 24 पॉइंट्स पर अमल दरामद हुआ है। फेटिफ की जानिब से यह कहा गया है कि जून तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। ये उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान इम्कान है कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा, लेकिन फेटिफ की जानिब से यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। 27 में से अभी 24 पॉइंट्स पर अमल दरामद हुआ है। फेटिफ की जानिब से कहा गया है कि जून तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं फेटिफ के हवाले से। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। फेटिफ की जानिब से यह बता दिया गया है 27 में से अभी 24 पॉइंट्स पर अमल दरामद हुआ है। बाकी पॉइंट्स पर अमल दरामद करने के लिए पाकिस्तान को मजीद इकदाम करना होंगे। फेटिफ की जानिब से यह कहा गया है कि जून तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। मजीद इकदाम पाकिस्तान करे और उसके बाद ये सोचा जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या ग्रे लिस्ट से निकालना है। फेटिफ की जानिब से ये बता दिया गया है। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। फेटिफ की जानिब से ये कहा गया है। फेटिफ 27 में से अभी 24 पॉइंट्स पर अमल दरामद हुआ है। फेटिफ की जानिब से ये कहा गया है और ये बताया गया है कि जून तक फेटिफ की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जून तक रहेगा, ये फेटिफ की जानिब से बता दिया गया है। इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन फेटिफ की जानिब से ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। फेटिफ की जानिब से यह बताया गया है कि 27 में से अभी 24 पॉइंट्स पर अमल दरामद हुआ है। बकिया पॉइंट्स पर काम पाकिस्तान को करना होगा। जून तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। फेटिफ की जानिब से यह बात क्लियर कर दी गई है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। फेटिफ की जानिब से ये बता दिया गया है। 27 में से अभी 24 पॉइंट्स पर अमल दरामद हुआ है। जून तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, ये फैसला किया गया है फेटिफ की जानिब से। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि फेटिफ की जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। 27 में से अभी 24 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिन पर अमल दरामद हुआ है। बकिया पॉइंट्स पर काम करने की ज़रूरत है। फेटिफ की जानिब से यह बता दिया गया है कि जून तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। जून तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। पाकिस्तान की जानिब से यह उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा ग्रे लिस्ट से और शायद व्हाइट लिस्ट में पाकिस्तान दोबारा से आ जाए, लेकिन फेटिफ की जानिब से यह बात क्लियर कर दी गई है कि अभी ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान को रहना होगा। मजीद काम करने की पाकिस्तान को जरूरत है, मजीद इकदाम करने की जरूरत है, उसके बाद ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के बारे में सोचा जा सकता है। फेटिफ की जानिब से यह बता दिया गया है। जून तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, फेटिफ की जानिब से यह बता दिया गया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान जून तक ग्रे लिस्ट में रहेगा, यह फैसला सुना दिया गया है फेटिफ की जानिब से। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। अब फेटिफ की जानिब से यह बता दिया गया है 27 में से अभी 24 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिन पर अमल दरामद हुआ है। बकिया पॉइंट्स पर काम करने की ज़रूरत है। बकिया 3 पॉइंट्स जिनके ऊपर पाकिस्तान को भी काम करना चाहिए। फेटिफ की जानिब से यह कहा गया है कि इन तमाम पॉइंट्स पर भी पाकिस्तान काम करे और उसके बाद इस बात पर गौर किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए।